घाघरा थाना के मुख्यालय स्थित पिंटू जूता दुकान से साइबर ठगों ने जूता खरीदा, जिसे पेटीएम स्पूफ नामक ऐप से पेमेंट कर ठगी किया। इस संबंध में दुकानदार पिंटू कुमार गुप्ता ने घाघरा थाना में लिखित आवेदन देकर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। अपने आवेदन में पिंटू ने कहा कि शनिवार को एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आए और जूता दिखाने को बोला, जिस पर मैंने 1400 का कैंप्स का जूता दिखाया, जिसे तीनों ने पसंद किया और ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही और मोबाइल पर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखाया, जिस पर मुझे लगा कि 2-3 मिनट में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ट्रांजैक्शन दिखाते ही वहां से तीनों चले गए। लगभग 10 मिनट बीत गए, जिसके बावजूद भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तब मैंने उन लोगों का पीछा किया तो चांदनी चौक स्थित एक दुकान में सामान खरीदते दिखाई दिए। जैसे ही ठगों की नज़र पिंटू पर पड़ी, तीनों भागने लगे। इस दौरान लोगों ने एक युवक को दौड़ाकर पकड़ा, जिसे थाने के हवाले किया। कल यहाँ पे थाना के सामने ही एक जूता दुकान है, जूता दुकान में 3 लड़के आए और जूता खरीदे, और जूता खरीदने के बाद वो लोग बोले कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू उन लोगों को पैसा पे किए, तो सक्सेस दिखा दिया उसमें कि हाँ सक्सेस, पेटीएम से किए थे लोग पेमेंट। तो उसके बाद तो दुकान वाला बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग वहां से भी चले गए। जाने के बाद फिर दुकान वाले ने अपने अकाउंट चेक किया तो कोई मैसेज नहीं आया था उसको पेटीएम में, तो दोबारा वो आदमी लोग खोजने के लिए वो बाहर निकला, तो फिर चांदनी चौक के पास एक जूता दुकान था, उसके अंदर देखा जो बाइक खड़ा करके तीनों लड़का वहां पे है। जब वो तीनों लड़का इसको देखा तो फिर वो लोग भागने लगा। भागने के क्रम में ग्रामीण के द्वारा और जो वहां आसपास के लोग थे उनके द्वारा दौड़ के उनको पकड़ा गया। पकड़ने पे उन लोगों ने अपना अपना नाम पता बताया और बताया कि हम लोग पेटीएम स्पूफ ऐप यूज करते हैं, जिसके थ्रू आदमी को ठगी करने का काम करते हैं, हम लोग फर्जी पेमेंट करते हैं और आदमी को दिखाते हैं कि हम लोग आपका पेमेंट हो गया है, जिसके बाद हम लोग तीनों गिरफ्तार करके अनुसंधान करके जेल भेज रहे हैं। आज अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।